बड़ी खबरें अब आपको विस्तार से दिखा दें और यह खबर उत्तराखंड से है जहां बीजेपी में बड़ी हलचल है। एबीपी न्यूज ने सुबह आपको सबसे पहले इस हलचल पर बड़ी खबर दी थी। देहरादून में बीजेपी आलाकमान की तरफ से दो पर्यवेक्षकों के अचानक देहरादून पहुंचने से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री बदलने से लेकर कैबिनेट में बड़े फेरबदल की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो ताजा खबर मिल रही है वो ये कि केंद्र से भेजे गए दोनों पर्यवेक्षक रमन सिंह दुष्यंत गौतम ने चार बीजेपी सांसदों से बात कर ली है और कुछ ही देर में देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम बैठक शुरू होने वाली है। पर्यवेक्षक राज्य की कोर कमेटी के नेताओं का मन टटोल रहे हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोधी खेमा उन्हें बदलने की मांग करता आया है। ऐसे में ऑब्जर्वर्स का देहरादून पहुंचने से जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके देहरादून पहुंचने से अब कई तरह की अटकलों ने जन्म ले लिया है। तो उत्तराखंड में सियासी हलचल अचानक बहुत तेज हो गई है और खबर यह है कि कुछ ही देर में बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक होने वाली है। मुमकिन है कि कैबिनेट में बदलाव हो और बताया यह भी जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री भी बदल दिए जाएं। पर्यवेक्षक देहरादून में मौजूद हैं कुछ ही देर में यह अहम बैठक। और हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। नीरज, कुछ और भी वहां से जानकारी मिल पा रही है क्या? ये जो अचानक सियासी हलचल तेज हुई है उसके क्या मायने मतलब निकाले जा रहे हैं? अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये माना जा रहा है, क्योंकि स्टेट की कई विधायक और कई नेताओं ने इस बात की शिकायत सेंट्रल लीडरशिप से की कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, सरकार में उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो तवज्जो नहीं मिल रही। इसके अलावा भी जो स्टेट का संगठन है और सरकार के बीच में सही मायने में तालमेल नहीं, और भी तमाम शिकायतें थी जिसकी बात सेंट्रल लीडरशिप ने ये तय किया कि एक ऑब्जर्वर्स की एक कमेटी भेजी जाए जो वहाँ के लोकल लीडर्स के साथ, कोर कमेटी के साथ, सबके साथ बैठ के बात करें। नीरज, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, चूंकि एक बहुत बड़ी खबर और है, एक और अपडेट है इस बीच की। उत्तराखंड में विधानसभा की कार्यवाही तय वक्त से पहले स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होना था जिसे 10 मार्च तक चलना था, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही आज ही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 मार्च से शुरू हुआ था विधानसभा का यह सत्र, 10 मार्च तक यह कार्यवाही चलनी थी लेकिन उसे वक्त से पहले स्थगित कर दिया गया। नीरज, इसका भी कुछ मतलब यह निकाला जा सकता है कि कोई बड़ा घटनाक्रम है, कुछ ऐसा है जो अंदर खाने, ऐसी कोई चीज है जो पक रही है? देखिए, विधानसभा पहले एक दिन पहले भंग करने के पीछे तो वो विधानसभा का अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो उसके तहत हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसकी बात अगर करें तो सीधे तौर पर ये है कि जो लोकल लीडरशिप के खिलाफ कहीं ना कहीं अंदरखाने विरोध था जिसकी शिकायत लगातार केंद्रीय टीम को मिल रही थी और यही कारण है कि ऑब्जर्वर भेजे गए। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण, ऑब्जर्वर जब भेजे जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न होता है कि एक कोई ना कोई बड़े फेरबदल की आशंका होती है, यानी कि ये कह सकते हैं आप कि कोई बड़ी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर विचार कर रही हो कि यदि उनके ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ मिले तो मुख्यमंत्री का कोई नया चेहरा भी लाया जा सके या मुख्यमंत्री बदला जा सके, इस स्तर पर यह बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट केंद्रीय टीम को सबमिट ना कर दे, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। निश्चित रूप में उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखें तो पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स का जाना ही अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोकल लीडरशिप में दिक्कतें हैं। जी, आप इस खबर पर बनाकर रखें, चूंकि एक बड़ा घटनाक्रम है, जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा आप हमें बताइएगा, दर्शकों तक हम वो सूचना भी पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।